Due to this pandemic, you have to stay home, stay safe, and study with Surendra, your geography teacher. Today, we are going to discuss about, in your book, chapter 14, Moments of Ocean Water. The Moments of Ocean Waters, last lecture mein hum waves ko define kiye the. Due to air friction, upper ocean waters take moment is called waves और ड्रिफ्ट. तो वेव्स और ड्रिफ्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम. अगर जो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो आपका जो TCS जो आपका स्कूल की जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपके लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं. तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी नेक्स्ट लेक्चर को अच्छे से कवर कर पाएंगे. तो यहाँ पर जो हम वेव्स को देखे थे, तो जो अपर ओशन वाटर्स वेव में ड्यू टू एयर फ्रिक्शन जो होता है तो उसको वेव्स बोलते हैं, और जो अपलिफ्टेड एरिया होता है, तो हाईएस्ट जो एरिया होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोएस्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं. ट्रफ और रेस्ट जो क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग वेव्स. ओके, और जो ओशियंस करंट्स को एनर्जी मिलती है वो यहीं से मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पे वो था आपका जो टाइड. टाइड क्या होता है? तो जब टाइड्स होता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून सन एंड अर्थ, आपस में जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनका, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही इनमें क्या बनता है, एक अट्रैक्शन बनता है, और उस अट्रैक्शन से जो ओशियंस वाटर है जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो थोड़ा सा अपवर्ड्स या टूवर्ड्स मून्स की ओर अट्रैक्टेड होता है. तो उस वाटर्स का अट्रैक्शन जो मून्स की ओर या सन्स की ओर अट्रैक्शन होता है, तो जिसको एक बलज शेप बनती है अर्थ के ऊपर, तो उसी को वाटर का हाइट जो है ना अपलिफ्टेड होना और या डाउन जाना ही टाइड कहलाता है. ठीक है. द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस ए डे मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड टाइड. और टाइड्स की जब हम बात कर रहे थे तो टाइड्स का जो शेप है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इन सब का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में मैच करता है तब जाके टाइड्स जो है बनते हैं. रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टाइड्स ये कंप्लीट कर चुके थे. तो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टाइड्स. तो टाइड्स ऑफ टाइप जो है टाइप्स ऑफ टाइड होते हैं, टाइड्स के टाइप कितने जो होते हैं टाइप्स. Tides vary in their frequency, direction and movement from place to place, also from time to time. Tides may be grouped into various types based on their frequency of occurrence in one day or 24 hours or based on their heights. तो जो tides होते हैं वो उसकी frequency क्या है, height क्या है, उसके according वो time कितना ले रहा है, तो ये टाइप्स होते हैं. तो इसमें सबसे पहले जो टाइप्स की बात करेंगे तो वो आता है टाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी बेस्ड में होते हैं. तो सबसे पहले जो होता है पॉइंट सेमी ड्यूरनल टाइड. तो सेमी ड्यूरनल जो टाइड होते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइड पैटर्न फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच डे. तो टू टाइप्स के हाई टाइड्स और टू लो टाइड्स जो ड्यूरिंग डे में जो आते हैं, ड्यूरिंग ईच डे टू टाइम्स जो आते हैं, तो उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरनल टाइड्स. द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर एप्रोक्सिमेटली द सेम हाइट. तो इनका जो हाई और लो का दोनों का क्या होता है, सेम हाइट होता है. नेक्स्ट है ड्यूरनल टाइड्स. देयर इज ओनली वन हाई एंड वन लो. तो वन हाई एंड वन लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे. द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सिमेटली ऑफ द सेम हाइट. तो बोथ अप एंड हाई आर बोथ heights are same, so these types of tide is called diurnal tides. Next one is mixed tides. Tides having variations in heights are known as mixed tides. तो जब different types के tide आते हैं और उस tides की different जो heights होती है वो heights में variation होता है, तो उसी को बोलते हैं mixed tides. These tides generally occur along the west coast of North America and on many island of Pacific Oceans. तो this types के जो mixed tides आते हैं वो North America, तो जब North America का ये location देखते हैं, यहाँ Gulf of Mexico आता है, तो ये आपका North America, Greenland, यहाँ पर आ जाता है आपका South America, तो यहाँ पर जो western coast पे जो यहाँ पर ये जो western coast पे Pacific Oceans में यहाँ पर maximum देखने को मिलते हैं mixed tide देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका टाइड बेस्ड ऑन द सन. तो टाइड्स बेस्ड ऑन द सन मून एंड अर्थ पोजीशन.
एक अर्थ मून सन या अर्थ मून सन ऐसे होते हैं। तो इनकी जब डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पोजीशन क्या है कहां पर है उसके अकॉर्डिंग भी टाइड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर हाई टाइड्स वेरीज एप्रिसिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स कम अंडर दीज कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो एक हाई टाइड आता है और एक लो टाइड आता है और तो हो जो हाई और लो टाइड जो बनते हैं वो यहाँ पर जो पोजीशन के अकॉर्डिंग सन मून और अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के टाइड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज जो है नीप टाइड सेकेंड वन इज स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड होते क्या है ये पोजिशन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर स्प्रिंग टाइड। व्हाट इज स्प्रिंग टाइड? स्प्रिंग टाइड द पोजिशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू अर्थ हैज डायरेक्ट बीयरिंग ऑफ ऑन टाइड हाइट्स बीयरिंग ऑन टाइड हाइट व्हेन द सन एंड मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर। These are called spring tides and they occur twice a month, one on full moon and another is during new moon. तो यहाँ पर आपका जो two types के keywords derived होते हैं एक full moon क्या होता है एक new moon क्या होता है ठीक है। और ये जब full moon और new moon होता है तभी होता है। और ये यहाँ से point note करेंगे straight line, जब straight line पे होते हैं तो spring tide होता है spring यहाँ से S straight line एस स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड कब होगा जब स्ट्रेट लाइन पे होंगे। तो ये ले लेते हैं आपका अर्थ है, ये ले लेते हैं आपका सन है यहां पे और ये पोजीशन आ जाती है मून की। तो जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे पोजीशन इनकी तो वहां पर ये टाइड्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो बल्ज ऑफ वाटर बनेगा तो बल्ज ऑफ वाटर की जो कंडीशन होगी इस तरीके से होगी, मून का अट्रैक्शन अपनी तरफ है सन का अट्रैक्शन अपनी तरफ है। तो इस ये हायर टाइड्स होंगे तो इस टाइड्स को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड इस टाइप्स के जो होते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, अब ऐसा हो सकता है कि मून का जो प्रेसेंस सेंटर में यहाँ पे भी मून की प्रेसेंस हो सकती है। होंगे तीनों क्या यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो ऑल थ्री आर इन द स्ट्रेट लाइन। अब ये फुल मून न्यू मून होता क्या है? अब जो लोकेशन सन का यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड पे अर्थ और लास्ट में अगर मून है तो इसको बोलते हैं फुल मून। फुल मून तो कैसे क्लियर करेंगे? अगर सन है और सन के और मून के सेंटर में अर्थ आ जाता है तो मून को दिखने के लिए अगर आप तीन बच्चे लाइन में खड़े हो जाते हैं तो तीसरे बच्चे को अगर दिखना है तो उसे बाहर निकलना पड़ेगा ना थोड़ा सा। जैसे जो प्रेयर होती है स्कूल के अंदर तो तीनों बच्चे लाइन में कहते हैं कि थर्ड जो स्टूडेंट्स है आपसे उसकी गर्दन दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो बिल्कुल लाइन क्या हो जाती है सीधी, तो आप बच्चे को नहीं दिख पाते आपके आगे कौन है। तो ठीक ऐसे ही जब इसको अगर इसके सामने दिखना होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? फुल होना पड़ेगा, तभी तो ये सन का लाइट मून पे आके गिरेगा। तो जब ये कंडीशन होती है सन अर्थ मिड में होता है और मून बाहर होता है तो इसको फुल होना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं फुल। फिर ये होता है कि न्यू मून। न्यू मून कब होता है? जब मून की प्रेसेंस सन और अर्थ के बीच में आ जाए। तो यहाँ पे अगर मून हो यहाँ पे सन तो सन मून और अर्थ, तो यहां पर कंडीशन बना आपका एक कंडीशन था सेम, सेम से याद रखेंगे एस सन अर्थ मून। तो फुल मून होता है सेम कंडीशन पे, सेम कंडीशन होती है तब फुल मून होता है। तो फुल मून कब होता है? सन होगा फिर सेंटर में कौन होगा? अर्थ होगा और बाहर कौन होगा? मून होगा। तो ये बनता है सेम। और न्यू मून की जब कंडीशन होती है तो न्यू मून की कंडीशन में क्या होता है? एस एम ई बनता है, एस एम ई। तो एस बोले तो सन, एम बोले तो मून, ई बोले तो अर्थ, तो अर्थ बाहर होता है तो उसको न्यू मून बोलते हैं। क्लियर पॉइंट?
तो न्यू मून फुल मून की कंडीशन होती है और ये विद इन वन मंथ में क्या होती है, टू टाइम्स देखने को मिलती है, क्योंकि जो अर्थ के अराउंड सन का जो अर्थ के अराउंड सन का जो रिवोल्यूशन है, सॉरी सन का कह रहा मैं, जो मून का रिवोल्यूशन है, तो मून यहां से यहां ट्रेवल जो करता है ना, रिवोल्यूशन करता है, वो 27 डेज टाइम लेता है। तो 27 डेज मींस अगर वो यहाँ पे है तो यहां तक आने में उसको 27 डे का टाइम लगता है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम यहाँ पे, तो एक वन मंथ में आपको जो स्प्रिंग टाइड देखने को मिलेगा, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। तो विद इन 27 डेज मून रिवोल्यूट अराउंड द अर्थ। और जब ये 27 डे में, तो हमारे यहाँ पर एक होता है ना जो देशिक महीना बोलते हैं, जो हिंदी महीना बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर जो महीना होता है 27 दिन का होता है, लेकिन वैसे हमारा जो जॉर्जियन कैलेंडर है वो क्या है, 30 डेज होते हैं, 31 होते हैं। इसे जो पूर्णिमा अमावस्या बोलते हैं ना, तो वो इसी पे डिफाइन करते हैं, जिसको फुल मून न्यू मून बोल देते हैं। तो ये स्प्रिंग टाइड की कंडीशन तब होती है, फुल मून और न्यू मून के टाइम पे। तो अगर आपके पास हिंदी कैलेंडर है घर पे, तो उसमें आप देखना अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है। तो पूर्णिमा जो होती है फुल मून को होती है, अमावस्या जो होती है न्यू मून की कंडीशन होती है। तो वहां पर टाइड आएंगे कौन से, स्प्रिंग टाइड आएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट वन इज नीप टाइड। तो नीप टाइड पॉइंट क्लियर करते हैं। नॉर्मली देयर इज ए 7-day इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच other and the force of the sun and moon tend to contract one another. The moon's attraction tough more than twice as strong as the sun's. Diminished by the contracting force of the sun's gravitational pull. तो जो ये नीप टाइड होता है, तो नीप टाइड में लोकेशन जो होगी, अभी आप डिस्कस किए थे कि जो अर्थ होती है और अर्थ के जो अराउंड है सन मूवमेंट करता है, तो एक मोमेंट ये हो गया, एक मोमेंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस तरीके से रिवोल्यूशन करता है। तो जो इस रिवोल्यूशन टाइम पीरियड में 27 डे लेता है, और फिर यहाँ कहीं पे सन का भी प्रेजेंस होगा, सन। तो जब कंडीशन क्या होती है, जब मून 90 एंगल पे, जब मून अर्थ जो सन है वो 90 एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में अर्थ हो गया, इधर मून हो गया, या इधर हो सकता है। तो जब 90 एंगल पे कंडीशन हो, मतलब एक ये वाली पोजीशन और एक ये वाली पोजीशन, तो यहां से यहां आने में 7 डे, फिर यहां से यहां 7 डे, फिर यहां से यहां 7 डे, फिर यहां से यहां 7 डे। तो एवरेज जो है ना 27 से अबो डेज हो गया ना टाइम। तो ये जो कंडीशन टू टाइम्स होती है, जब नीप टाइड कब होता है, तो नीप टाइड तब होगा जब सन अर्थ और मून राइट एंगल पे हो, या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है। तो जो क्वार्टरली पोजीशन पे आता है मून, तब आपका क्या बनता है, नीप टाइड बनता है। तो नीप टाइड बोले तो 90, नीप टाइड बोले तो 90 एंगल, तो ये 90 एंगल हो गया ना, ये भी 90 एंगल है, तो नीप बोले तो 90 एंगल। तो जब 90 एंगल पे होते तो नीप टाइड होता है। क्लियर रहेगा यहां से, पॉइंट्स समझ जाएंगे, डाउट में नहीं जाएंगे। वंस इन ए मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, प्रीजी, तो प्रीजी कहलाता है, प्रीजी कब कहलाता है, जब मून की पोजीशन अर्थ के नियरेस्ट होती है। अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स ऑकर, तो उस टाइम पे हाई और लो टाइड्स बनते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। 2 वीक्स लेटर व्हेन द मून इज फार्थेस्ट फ्रॉम अर्थ, तो जैसे ही अर्थ से फार्थेस्ट पोजिशन होती है मून की, तो उसको बोलते हैं अपोगी, तो उसको बोलते हैं अपोगी। तो पेरिगी, पेरिगी मतलब पहले, बहुत नजदीक, अपोगी मतलब बहुत बाद में। तो पेरिगी अपोगी पोजीशन होती है, तो जब मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा लिमिटेड होगा उस टाइम पे, एंड द टाइडल रेंज आर लेस देन देयर एवरेज हाइट्स, तो उस टाइम पे जो टाइड्स आएंगे वो लो टाइड्स देखने को मिलेंगे। तो प्रीगी बोले तो जो प्री, प्री पहले होता है, ठीक है ना, तो जैसे प्री एग्जाम होता है, तो प्री एग्जाम, तो प्री, प्रीगी बन गया, अपोगी बाद में बन गया। When the earth is closest to the sun, perihelion, around 3rd January each year, tidal range are also much greater.
with unusually high and unusually low tides when the earth is farthest from the sun, aphelion 4th July. तो जब आप रिवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़े थे तो रिवोल्यूशन वाले टॉपिक में आपने जो अर्थ रिवोल्यूट करती है सन के अराउंड, तो उस एक रिवोल्यूशन टाइम पीरियड में 3605 जो है 365 डेज एवरेज टाइम लिया जाता है। यहाँ पर जो होते हैं 31 मार्च होता है, यहाँ पर 31 जून होता है, यहाँ पर 22 दिसंबर होता है और यहाँ पर 23 सितंबर होता है। तो ऐसे एक सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन होता है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो टाइम लिया जाता है अर्थ का सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन करने में, वो 365 days 5 hours 48 minutes नियर अबाउट टाइम लिया जाता है अर्थ के द्वारा। अब जो अर्थ जो रिवोल्यूशन करती है वो एलिप्टिकल शेप में रिवोल्यूशन करती है अराउंड सन, बिल्कुल सर्कल में नहीं, एलिप्टिकल शेप में। तो इस पोजिशन में कोई कंडीशन ऐसी होगी कि अर्थ की पोजीशन नियरेस्ट होती होगी, तो नियरेस्ट पोजीशन होती है अर्थ की वो होता है यहाँ पर 3rd Jan को, अर्थ बिल्कुल नियरेस्ट पोजीशन पे होती है सन के। तो यहाँ पर टाइड मैक्सिमम देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि वहां पर जो है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम इफेक्ट डालेगा। फिर जो फार्थेस्ट पोजिशन होती है वो होती है 4th July को, तो यहाँ पर होता है 4th July, तो फार्थेस्ट पोजिशन नियरेस्ट पोजिशन, तो इनपे टाइड्स का इफेक्ट जाता है। तो जो नियरेस्ट होता है उसको बोलते हैं परिहेलियन, पेरिहेलियन, और जो फार्थेस्ट होता है उसको बोलते हैं एपिहेलियन। तो अर्थ की सन के कंपेयर में पोजीशन को बोलते हैं एपिहेलियन और पेरिहेलियन, और मून की अर्थ के जो पोजीशन, मून की पोजीशन अर्थ के कंपैरिजन में जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं पेरिगी और एपोगी। तो ये 4 टाइप्स के जो कीवर्ड्स हैं आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स की जब हम बात करते हैं, टाइड्स के इम्पोर्टेंस क्या होंगे, सिंस टाइड्स आर कॉज्ड बाय अर्थ मून सन पोजिशन विच आर नोन एक्यूरेटली, द टाइड्स कैन बी प्रिडिक्टेड वेल इन एडवांस। तो जैसा कि हम अभी पढ़े हैं कि भाई जो टाइड्स आते हैं ना, तो वो टाइड्स हमेशा तब आएंगे जब अर्थ मून और सन की पोजीशन होगी। तो हमें पता है हमारा कैलेंडर है 27 डेज में एक फुल मून होगा, एक न्यू मून होगा, तो न्यू मून कब होगा, फुल मून कब होगा। तो ऐसा हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट जो प्रेडिक्शन करते हैं ना कि भाई टाइड आ सकते हैं या नहीं आएंगे, तो आने वाले हैं कब आने वाले हैं, तो उसका प्रेडिक्शन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो उसकी लोकेशन की वजह से पता चलता है कि टाइड्स का रीजन क्या है, अर्थ मून और सन की लोकेशन है। दिस हेल्प्स द नेविगेटर एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटीज, और ये एक हेल्प करता है। जैसे हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि कल को भैया ना टाइड्स आने वाले हैं, तो जो नेविगेटर होते हैं, जहाज वाले होते हैं, जो उस कहीं से यात्रा कर रहे होते हैं, या जो फिशरमैन होते हैं, मछलियों वाले मछुआरे होते हैं समुद्र के अंदर, वो उनको चेतावनी दे दी जाती है, प्रेडिक्शन किया जाता है कि भाई टाइड्स आने वाले हैं। टाइडल फ्लो आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेविगेशन, टाइडल हाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेशली हार्बर्स नियर रिवर्स एंड विद इन एस्चुरी हैविंग शैलो बार्स at the entrance which prevents ships and boats from entering into the harbor. तो हार्बर जो होता है ना, अब जैसे जहाज के खड़े करने की जगह होती है, जब वाटर का सी लेवल लो होता है तो वो जहाज वहां तक नहीं हो पाते हैं, या जो जहाज है तो उसको अगर यहाँ से नीचे उतारना, तो जैसे टाइड्स आएगा तो काफी जो अपलिफ्टेड वाटर की अवेलेबिलिटी होगी नियर कोस्ट, तो वो उसको वहां से हार्बर्स में उसको रोकने के लिए भी आसानी रहेगी। तो हार्बर्स के लिए जो टाइड्स होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं। Tides are also helpful in desilting and sediments and in removing polluted water from river estuary. Tides are used to generate electrical power in Canada, France, Russia and China. जो टाइड्स आते हैं, जब आप देखें बीच पे जाते हैं, काफी टूरिज्म प्लेस होता है तो बीच पे जाते हैं, आप देखेंगे काफी सारा जो पोल्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं वहां पर, तो जैसे ही टाइड्स आएगा तो उसको वाश आउट कर देता है। तो एक ऐसे भी एक बेनिफिट काम करता है जो रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट लेके आता है, रेत मिट्टी गाद जो आती है उसको भी वाश आउट कर देता है। तो टाइड्स के ये बेनिफिट होते हैं एस्चुरी में, नियर एस्चुरी। जो टाइड आर यूज्ड टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये जो एग्जांपल है कंट्री जो है ना जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइड्स देखने को मिलते हैं, तो टाइड्स से यूज कर लेते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में।
ठीक है। तो लास्ट जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे मिनरल्स वाला, तो मिनरल्स वाले में हमने जो टर्बाइन्स देखा था, तो टर्बाइन्स ऐसे चलती थी, तो जहां जहां से आपके जो जियो थर्मल या जो आपकी टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती थी। A3 मेगावाट टाइड पावर प्रोजेक्ट, टाइडल पावर प्रोजेक्ट इन दुर्गा दुआनी इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल इज अंडर वे। तो भाई जैसे आपका बेव बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन इलाका है बेव बंगाल में वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वहां पर एक जो 3 मेगावाट, तो 3 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट करके आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अभी बात करते हैं ओशियन करंट्स की। तो ओशियन करंट्स की जब बात करते हैं, तो व्हाट इज ओशियन करंट्स? ओशियन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशियंस। तो अभी तक तो अपर सरफेस वाटर में मूवमेंट आ रहा था, तो उसको हमने वेव्स कहा, या जो वाटर अप गया डाउन गया उसको हमने टाइड कहा। अभी क्या होगा, जो मेजर क्वांटिटी में ओशियन वाटर जो फ्लो करेगा ना, एक लाइक रिवर्स फ्लो करेगा, जैसे कि रिवर्स फ्लो करती है, वो सारा का सारा पानी की स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, ओशियन करंट्स कहलाता है। ओशियन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशियंस, दे रिप्रेजेंट ए रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द डिफाइंड पाथ एंड डायरेक्शन। ओशियन करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फोर्स, नेमली प्राइमरी फोर्स दैट इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ वाटर, सेकेंडरी फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द करंट ऑफ करंट्स टू फ्लो। तो यहाँ पर टू टाइप्स के जो फोर्स इम्प्लीमेंट होते हैं ओशियन करंट्स के ऊपर, पहला है प्राइमरी फैक्टर और सेकंड है जो सेकेंडरी फैक्टर। तो प्राइमरी फैक्टर इनिशियल मूवमेंट ऑफ वाटर्स है और सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑफ करंट्स फ्लो। तो यहाँ पर जो प्राइमरी फैक्टर की जब हम बात करते हैं, तो प्राइमरी फैक्टर कौन सा कि जो इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करंट्स को, द प्राइमरी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर जो ओशियंस वाटर होता है उसको प्राइमरी फैक्टर जो काम करता है, उसमें सबसे पहले काम करता है जो हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सेकंड है विंड, और थर्ड है ग्रेविटी, और फोर्थ है कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम हीटिंग। तो जैसे ड्यूरिंग डे टाइम जो सन का इंसुलेशन है ओशियंस के ऊपर आता है, तो उसमें हीटिंग कैसे फैक्टर काम करता है, तो हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉज द वाटर टू एक्सपेंड। That is why near the equator the ocean water is about 8 centimeters higher in level than in the middle latitudes. This caused a very slight gradient and water tend to flow down to the slope. Wind blows on the surface. यहाँ पर हीटिंग के लिए पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे ही हम सोलर जो है आपके जो ग्लोब के ऊपर जब हम देखते हैं इक्वेटोरियल जोन में, तो इक्वेटोरियल जोन में जब हम देखते हैं तो इक्वेटोरियल जोन में टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। जब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है तो ये कहता है मैक्सिमम हीट लेने पे जो वाटर है ना एक्सपेंड करता है कंपेयर टू अदर पार्ट। तो जहां पर ये वाटर एक्सपेंड करेगा तो ये लगभग कितना 8 सेंटीमीटर हायर हो जाता है अदर्स के तरफ, तो ये ग्रेडियंट बन जाता है। तो यहाँ पर ये स्लोप बन जाएगा, तो ये वाटर मूवमेंट इस डायरेक्शन में करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए इक्वेटोरियल वाटर जो मूवमेंट्स है, इक्वेटोरियल वाटर्स हिट करने के बाद एक्सपेंड कर जाता है, और एक्सपेंड करने के बाद वो टूवर्ड्स पोल की ओर मूवमेंट करने शुरू कर देता है। तो जब ये हॉट वाटर एक्सपेंड होकर मूवमेंट करता है टूवर्ड्स पोल, तो ये बन जाता है हॉट ओशियन करंट। तो हॉट ओशियन करंट को याद रखें क्या होता है, जब वाटर मूवमेंट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल होता है, तो क्या बोलते हैं, हॉट ओशियन करंट बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इक्वेटोरियल वाटर एक्सपेंड, और ये एक्सपेंड हो जाता है 8 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड हो जाता है। तो इसीलिए इस वाटर को ग्रेडियंट बन जाता है और ये ऐसे फ्लो करना शुरू कर देता है, तो जो काफी क्वांटिटी में नॉर्थ की और काफी क्वांटिटी में साउथ की। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बन जाएगा हिट। अगर टेम्परेचर इक्वल होता ग्लोब पे, यहाँ पे भी टेम्परेचर और यहाँ पे भी टेम्परेचर इक्वल होता, तो ये मूवमेंट है ये ऐसे नहीं बन पाता। नेक्स्ट पॉइंट इज विंड। विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन पुशेस द वाटर टू मूव। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स। तो भाई जैसे जैसे आपकी ट्रेड्स विंड्स ऐसी चली थी, तो ओशियन इक्वेटोरियल वाटर में जो वाटर मूवमेंट होगा तो वेस्टर्न की ओर जाएगा। तो वेस्टर्न की ओर क्यों जाएगा,
इक्वेटोरियल वाटर मूवमेंट वेस्टर्न डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर आते हैं आपकी ट्रेड विंड्स, तो ट्रेड विंड्स का जो फ्लो है वो ईस्टरलाइज से इस तरीके से होता है, तो इक्वेटोरियल वाटर मूवमेंट हमेशा जब भी आप इक्वेटर पे देखोगे तो वो इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो इक्वेटोरियल जोन में ओशियंस वाटर मूवमेंट कहां से होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ट्रेड विंड्स उसको इस तरीके से डाइवर्ट करती है। फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स, ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन एंड पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन, द कोरियोलिस फोर्स इंटरवेंज एंड कोज द वाटर टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दीज लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एंड द फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड गेयर्स। तो गेयर्स क्या होता है, तो जैसे ही इक्वेटोरियल जोन में जो ये वाटर मूवमेंट ऐसे करता है, तो इस तरीके से ये वाटर मूवमेंट करता है, तो अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है कि अर्थ रोटेट करती है तो उसमें कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट डालेगा ओशन करंट्स में भी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन करंट है ना वो उसका राइट डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, इसका राइट ये, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, इसका लेफ्ट ये, इसका लेफ्ट ये, इसका लेफ्ट ये। तो आप देखोगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो वाटर मूवमेंट करता है वो क्लॉकवाइज करना शुरू कर देता है, और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक। तो जो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जो मूवमेंट करता है, इस क्लॉकवाइज मूवमेंट को ही गायरेज कहते हैं। तो गायरेज जो होते हैं ना वॉशिंग वाटर का, जो राइट राइट करते करते ऐसे मूवमेंट ले लेना, गायरेज कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ओशियन करंट्स जो होंगी वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में, राइट में, और साउथ हेमिस्फीयर में किस में, लेफ्ट में। अब साउथ हेमिस्फीयर वाली लेफ्ट कैसे याद रखेंगे, तो ये अर्थ का लोअर पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, लोअर, तो लोअर पोर्शन बोले तो लेफ्ट, तो बोले तो लेफ्ट। तो ये इस तरीके से वाटर जो है ना मूवमेंट करना शुरू कर देता है, राउंड राउंड शेप ले लेता है, तो इसको गायरेज कहते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रांजिशन करता है। दीज प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट्स इन ऑल द ओशियंस बेसिन, तो ओशियंस बेसिन के अंदर ये इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, बनाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ हेमिस्फीयर में भी। तो यहां पर आपके यहां पर ये देखेंगे, जैसे इक्वेटोरियल जोन में जो वाटर मूवमेंट कर रहा है तो वो वेस्ट की ओर कर रहा है, ठीक है ना, वेस्ट की ओर वाटर मूवमेंट आ रहा है, ये भी वेस्ट की ओर जा रहा है, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका ये राइट, फिर ये राइट, फिर ये राइट, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, और साउथ हेमिस्फीयर में ये जो वेस्ट में जा रहा था तो इसका लेफ्ट 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 करते करते, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलते हैं गायरेज। तो अभी आप देखें तो गायरेज, तो ये गायरेज बनते हैं, तो साउथ हेमिस्फीयर में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बनते हैं और साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। तो ये जो गायरेज बनते हैं ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे ओशियन करंट्स, तो ओशियन करंट्स का जो मूवमेंट होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, कैसे याद रखेंगे, जब आपके घर के अंदर जो दीवार पे हम क्लॉक लगाते हैं तो वो क्लॉक जो है ना, तो वो नॉर्थ में लगाते हैं कि साउथ में लगाते हैं, मतलब जो दीवार की पोजीशन में अपर एरिया में लगाते हैं ना, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में है तो क्लॉक कहाँ है, नॉर्थ में, तो क्लॉक वाइज कौन से हेमिस्फीयर में होगा, नॉर्थ में, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, एंटी क्लॉक। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? तो यहाँ पर जो ओशियन करंट्स होंगी, मैंने क्या बताया, जो वाटर मूवमेंट इक्वेटर टू पोल होगा तो वो हॉट होगा, तो ये जो ओशियन करंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से डिनोट की गई हैं लोकेशन के हिसाब से। तो जो एग्लुहासा, तो एग्लुहासा की जो कंडीशन है, तो ये जो करंट है ये एग्लुहासा वाली
हॉट ओशियन करंट है। फिर यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, ये भी हॉट है। और फिर यहाँ से जो ब्राजीलियन है वो भी हॉट है, लेकिन जो यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू है ये आपको कोल्ड नजर आ रही है। तो कोल्ड क्यों है, क्योंकि भाई जो मोमेंट है, अब यहाँ पर वाटर मोमेंट जो हो रहा है ना, पोल टू इक्वेटर हो रहा है, तो जो वाटर मोमेंट पोल टू इक्वेटर होता है तो वो कोल्ड होती है, क्योंकि यहाँ से तो हॉट गई थी, ये कोल्ड से मर्ज करने के बाद यहाँ से आएगा, तो ये हॉट होता है, ये कोल्ड होता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट, वन इज हॉट ओशन करंट एंड सेकेंड इज कोल्ड ओशन करंट। तो यहाँ पर इंसुलेशन फैक्टर, विंड फैक्टर और फ्रिक्शनल जो है ना आपका, जो कोरियोलिस फैक्टर ने किस तरीके से वाटर के ऊपर इन्फ्लुएंस किया, और जो गायरेज कहलाए, तो दीज प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलेशन करंट्स जो है ओशन बेसिन्स के अंदर कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज Differences in water density affect vertical mobility of ocean's current. Water with high salinity is denser than water with low density. Sorry, with low salinity. तो ये कहता है कि जिस वाटर में मैक्सिमम सैलिनिटी होती है तो वो वर्टिकली डेंस होता है ऐसे, मतलब सैलिनिटी इस एरिया में क्या है, मैक्सिमम है, और जिस वाटर में सैलिनिटी लो होती है तो वो डेंस नहीं होता है, एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, ग्रेडियंट बन गया। तो जब ये ग्रेडियंट करेगा तो ये वाटर इधर मूवमेंट करेगा, तो जिस एरिया में मैक्सिमम लोवेस्ट सैलिनिटी होगी वो वाटर मूवमेंट करेगा हाई सैलिनिटी वाटर की ओर, तो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो मूवमेंट होने के पीछे जो रीजन है वो है सैलिनिटी। तो ओशियंस के अंदर सैलिनिटी में वेरिएशन मिलता है, कहीं पर सैलिनिटी मैक्सिमम है, कहीं पर सैलिनिटी लो है, तो ये कंडीशन बनने से फिर वाटर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर देखा आपने, फर्स्ट फैक्टर था जो वाटर मूवमेंट करने का, टेम्परेचर, और सेकेंड फैक्टर है वो है सैलिनिटी, जो पानी में नमक की मात्रा को बढ़ना, साल्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये जो ओशियन करंट्स का एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे करके देख सकते हैं भाई, टेम्परेचर का कैसे करके देख सकते हैं। अगर मान लो एक बकेट में आपने पानी ले लिया, अब इसमें मूवमेंट अगर आपने कराना है तो मूवमेंट कराने के लिए क्या करना होगा, आप एक साइड में यहां से टेम्परेचर हाई कर देना, तो जैसे टेम्परेचर आप हाई कर देंगे तो ये वाटर एक्सपेंड करेगा। इसमें कलर डाल के देख लेना तो ये मूवमेंट नजर आएगा, यहां से जाता हुआ नजर आएगा, तो बॉइल करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही सैलिनिटी वाटर भी, अगर वाटर में आपने इस एरिया में सैलिनिटी मैक्सिमम कर दिया तो ये डेंस हो जाएगा। अगर किसी एरिया में आपने, अगर एक बर्तन में पानी लेते हैं और उसमें हाई सैलिनिटी वाटर, अगर इस रीजन में हाई सैलिनिटी वाटर है तो वो डेंस करेगा, और एक तरफ जहां लो सैलिनिटी वाटर है तो वो एक्सपेंड करेगा। तो लो सैलिनिटी वाटर एक्सपेंड करेगा और हाई सैलिनिटी वाटर डेंस करेगा, तो ये ऐसे मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक व्हाइल रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड्स टू राइज। कोल्ड वाटर ओशियन करंट्स अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल्स सिंक एंड स्लोली मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। वार्म वाटर करंट्स ट्रेवल आउट फ्रॉम द इक्वेटर अलोंग the surface flowing towards the pole and replacing sink cold water. तो यहाँ पर types of जो ocean currents देखे हमने, यहाँ पर points clear हो गए हमारे कि भाई जो circle, जो surface है, तो earth के surface के ऊपर जब हम देखेंगे ये आ गया equatorial zone. तो जब water movement equator to pole हो रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे hot ocean current, और जब water movement pole to equator हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम cold ocean current. So there are two types of ocean currents. One is hot ocean current, second is cold ocean current. तो यहाँ तक हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आप बच्चों ने जो फेयर नोटबुक नहीं बनाई है तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिलीवर किया था वहां तक आप उसको लेक्चर को जरूर देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर तब भी समझ में आएगा जब तक आपने ये लेक्चर नहीं देखा होगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।